नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। ईडी में दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ईडी ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ से बच रहे थे। उनके इसी रवैये से जांच अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह मिली है। साथ ही जांच अधिकारी के पास मौजूद चीज़ों ने भी यह साबित करने में मदद की है कि वे दोषी हैं। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी अपराध की जांच एक ऐसा क्षेत्र है जांच एजेंसी के लिए रिजर्व है। उनकी गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल से 21 मार्च को तलाशी के दौरान उनके मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा गया। ईडी की हिरासत के दौरान भी यही पूछा गया, उन्होंने इसे शेयर करने से इनकार कर दिया। हिरासत के दौरान उनके बयानों से भी पता चलता है कि वे पूरी तरह से टालमटोल करने वाले जवाब दे रहे थे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद एएपी सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि तिहाड़ जेल में कई हत्याएं हुई हैं, केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है और सरकार उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में ऐसी घटना होती है तो कौन जवाबदेह होगा। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बुधवार सुबह आपस में भिड़ने से 4 कैदी घायल हो गए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।